बिहार के दरभंगा में मौजूद हूं। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ जो मामला हुआ वो तस्वीर में बयां करने के लायक नहीं है। आज मेरे साथ एक 24 वर्षीय एक लड़की है, मैं उसका चेहरा नहीं दिखा सकता, उसकी माँ है। इन दोनों के चेहरा पे आप देख सकते हैं कि चेहरा इसका बंद क्यों किया गया होगा। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका चेहरा दिखाने लायक नहीं है, इनका चेहरा छुपाया गया है। ये छुपाया इसलिए गया है क्योंकि अब ये समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। ये माँ और ये दोनों बेटी जब गांव में घर से बाहर निकलती है तो किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकती। अब सोचने की बात है कि ऐसा इनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हम उस लड़की के पास पहुंचे और ये लड़की आज कोर्ट में आई है। बिरोल व्यवहार न्यायालय में पहुंची और इन्होंने एक आवेदन दिया और जज साहब से न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ मामला हुआ ये हम इस लड़की से जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्यार कितना अंधा होता है वो आज इस लड़की को एहसास हो रहा होगा। मैं बार बार इस पर वीडियो बनाता हूँ, मैं बार बार लगातार आपने देखा होगा हजारों में ऐसे वीडियो बनाए हो जिस वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ कि प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार सोच समझ के करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार के जाल में आप फंस जाए और फिर आपकी जिंदगी भी इसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे आज इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई और इस माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ और बेटी दोनों दर बदर की ठोकर खा रही है, कभी थाना जा रही है तो कभी SP के कार्यालय का चक्कर लगा रही है, कभी कोर्ट का चक्कर लगा रही है। आखिर इंसाफ कब मिलेगा ये सोचने वाली बात है। इस वक्त बिरोल अनुमंडल में खड़ा हूँ और बिरोल व्यवहार न्यायालय में ये माँ और बेटी दोनों आई थी, आवेदन दी है। हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार इनके साथ क्या कुछ मामला हुआ और किस लड़के के साथ इनका प्यार हुआ और फिर प्यार इस परवान पर चढ़ा कि आखिरकार ये लड़की गर्भवती हो गई और फिर इनको ऑपरेशन के लिए मजबूर किया गया। ये पेपर है उस अस्पताल का जहां ये गई थी, हालांकि लड़की अपनी तत्परता दिखाई और किसी तरह वहां से बच के निकली। कैसे बिहार से कलकत्ता गई, कलकत्ता से झंझारपुर पहुंची और झंझारपुर से फिर किस तरह गांव वापस आ गई और अब रो रही है। रोए भी क्यों नहीं, क्योंकि तकलीफ तो इनको हुआ है। तो क्या आपके साथ जो मामला हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, सब शुरू से बताइए क्या कुछ हुआ था? सर हमारा मतलब जग में मुलाकात भेल छले, फिर जग में मुलाकात मतलब बातचीत करत करत मतलब संबंध बनबे लगल, संबंध बनबत हमारे माँ के पता चलल, फिर ओका गार्जियन के क्या हुआ है शुरू से बताना है जो कुछ हुआ है। आप को डरना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगा, आप कानून व्यवस्था है उस पर विश्वास रखिए। आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? जग में मुलाकात हुआ था मुझे, फिर वहाँ से फिर मुझे बातचीत करने का मतलब हमारे साथ बलात्कार करने लगा, फिर हमारे माँ का पता चला, फिर उसका माँ का गार्जियन का पता चल तो कल के कलकत्ता हमारे बेटी रही है तो चल जाओ शादी विवाह को कर फिर घर आब जा, तो शादी विवाह नहीं कलक हन से फिर हमारा झंझारपुर आलक, झंझारपुर में फिर 2-4 दिन रखलक, फिर हॉस्पिटल लग गए, हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर से देखलक तो कलक ऑपरेशन करा ले लो, तो मतलब डॉक्टर मना कर दल के 8 महीना का गर्भवती है नहीं हम ऑपरेशन करा चल जाए, तो फिर से वो छोड़ कर भाग गए, से छोड़ कर भाग गए तो फिर हम ककरो नंबर नहीं पता चला, हमार बहन का नंबर पता चला ओकर फोन कलो तो हमार बहन आने लगे, घनश्यामपुर थाना में गल अथी रिपोर्ट लिखवे ला तो कलक मतलब कोनो सुनवा नहीं लल, फिर से बिरोल थाना कोर्ट में हम केस कल तो से हमार सर अन्याय चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? अन्याय चाहिए सर, मतलब न्याय चाहिए। हाँ, अब प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं? जी सर। आपके जो गर्भवती हैं कितने महीना का बच्चा है? 8 महीना का। 8 महीना का है, ठीक है। ये लड़की है और इन्होंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, हालांकि इसका घर दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में इनका गांव पड़ता है और माँ और बेटी दोनों अब दर बदर की ठोकर खा रही है कि माँ है उसके माँ से जानेंगे कि आखिरकार आपकी बेटी के साथ जो कुछ मामला हुआ क्या आपको पहले से पता था, या अगर पता था तो क्या आप इस मामला को सामाजिक स्तर पर पहल क्यों नहीं किए, अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था, क्या आपकी बेटी फोन से बात करती थी तब आपको जानकारी मिला, ये सारी जानकारी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे माँ का कुछ भी नहीं पता था लेकिन उसका माँ का सब मालूम था, लड़के के माँ। हाँ, लेकिन हमारा माँ का कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, जब आप लड़के के साथ कलकत्ता गई थी तो वहाँ कौन कौन था उसका? उसका मतलब जीजाजी, उसका बहन और कोई नहीं। अच्छा, तो उसका बहन का 2 बच्चा था। अच्छा, और तो वहाँ साथ रहते थे आप लोग?
जी या अलग रहते थे? नहीं, साथ साथ ही रहते थे। जी सर। फिर वहाँ से आपको कहाँ लाया गया? झंझारपुर। झंझारपुर। जी सर। तब तक 8 माह का बच्चा गर्भ में हो चुका था। जी सर। अच्छा, तो झंझारपुर से फिर छोड़ के भाग गया? जी सर। तो वहाँ से कैसे आए? वहाँ से मैं बहन को फोन कर लो तो बहन हम आने ले गेल छे। लड़की ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने विस्तार से बताया, और लड़की खुद भी क्या कुछ बयान कर रही है वो आपने देखा। हालांकि बालिग है, नाबालिग अब नहीं रही क्योंकि इसका उम्र लगभग 24 साल हो चुका है। 24 वर्ष की एक छात्रा कह लीजिए। अब ये लड़की जो है प्यार के जाल में फंस गई, और फिर प्यार करने के बाद इनके साथ जो कुछ हुआ वो दर्द ये खुद बयां कर रही थी। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लगातार लड़कियों से कहता हूँ और सभी लड़कों से ये कहता रहा हूँ कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार करने से पहले सोचना और समझना चाहिए, परखना चाहिए, दोनों परिवार की सहमति होनी चाहिए। फिलहाल जो कुछ उसके साथ हुआ इस मामले में पुलिस अनुसंधान करेगी, जांच का विषय है, और जो भी अगर तक कार्रवाई होगी प्रशासन करेगी निश्चित रूप से। लेकिन उसकी माँ है, माँ तो माँ होती है, और अपने बेटी के लिए जो दर्द माँ के पास होता है वो किसी के पास नहीं, जो शब्द माँ के पास होता है वो दुनिया में किसी के पास नहीं होता। माँ ही बताएगी कि बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसमें क्या कुछ हुआ, गलती किसका है, क्या कुछ हुआ, कहाँ तक जानकारी है माँ को वो जानेंगे। आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसमें क्या कुछ जानकारी है आपको, कब जानकारी मिला? कोनो जानकारी नहीं बेटा हमारा, कोनो जानकारी नहीं। वो लड़का को माँ का सब सवाल बुझल छे, हमरा ने वो रास्ता हम चले छो हमरा बजा के वो कहता जे आपका बेटी खराब है, हमरा बेटा सुना एना क्या रहल है, मुदा वो नहीं बता सकलक, नहीं बता सकलक। तब एक लेकर भाग गेल, जग में सब किछ एकरा से बात विचार करत 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 एकरा से बलात्कार क्या कर एकरा लेकर भाग गेल। भाग गेल, 4 दिन कलकत्ता में रखलक हन, कलकत्ता में रख के ओकरा ओहिठमा कहलकै शादी ब्याह करबो से नीक दिन तक एबै तखन हम करबो। ओहिठाम से आयल झंझारपुर, झंझारपुर में ओहिठाम डॉक्टर पास देखेलकै, डॉक्टर कहलकै हन कि जे 8 महीना के बच्चा छै, बच्चा हम खसेबै तो हमरा परमो जड़ पड़त, हमने बच्चा के खसा सकै छी। तहन ओहिठाम से ओ भाग गेल, एकरा छोड़ देलक अकेले। जब ओ अपनो इज्जत हमरा बेटी के बीच लेलक, आ ओहि काल में जे हमरा बेटी के जे केओ बीच लेलक, असगर बच्चा के छोड़ देलक, तो अपनो बलात्कार कलक, अनको से करा देलक। अब क्या चाहते हैं आप? हम अब एतबे सर जी चाहे छे जे ई बचिया ओकरा घर चल जाए, इंसाफ चाहे। हाँ, मामला के समाज स्तर पर नहीं कहलिए, मुखिया सरपंच सब सबके कहलिए, किओ ने कोनो रास्ता बतेलथ हन हमरा, ओ सरपंच सब कहलथ हन, समाज 10 समाज के बसेलिए, कहलखिन नहीं हम सब नहीं करब एकर कोनो बात, अहाँ थाना आगू बढ़ू, कोर्ट कचहरी से अहाँ फैसला भए जाए। अच्छा, तहन हम ओहिठमा आयल। तब वहाँ कोर्ट में लिए। हाँ। चलिए, लड़की की माँ है जो जिनके साथ ये घटना हुआ है, वो लड़की है, उसकी माँ है, उसकी माँ उस दर्द को बयां कर रही थी क्योंकि बेटी बेटी होती है, और बेटी के लिए माँ के दिल में कितना दर्द होता है ये कोई नहीं जानता। एक माँ है और माँ फूट फूट कर रो रही है, और बार बार एक ही बात करिए कि मुझे मेरे बेटी के साथ जो कुछ हुआ उस मामले में इंसाफ चाहिए, आरोपी जहाँ कहीं भी हो। हालांकि माँ एक बात और कह रही है कि मेरी बेटी उस घर में बस जाए, और बसाने की भी प्रयास की जा रही है। ये बात इन्होंने सामाजिक स्तर पर भी प्रयास किया, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया और सरपंच से भी कहा, कुछ समाज के लोगों से भी कहा, ताकि इस मामला को सामाजिक स्तर पर सुधार किया जाए, इसमें बातचीत की जाए। लेकिन ऐसा कोई पहल नहीं होने के बाद ये माँ अब थाना और पुलिस का और कोर्ट का शरण ली है। हालांकि ये वीडियो मेरा दिखाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन वीडियो दिखाने का उद्देश्य यही है कि अब लोगों में सजगता होनी चाहिए, आपको भी जागरूक होना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। आज इनकी बेटी के साथ जो घटना हुआ है वो दुनिया में किसी और बेटी के साथ ना हो, इसलिए हर माँ को सचेत रहना है, हर बेटी को सचेत रहना है, और इस तरह से प्यार के जाल में नहीं फंसना है कि आपके साथ आपका शोषण हो और फिर बाद में आपको भी इसी तरह दरबदर की ठोकर खाना पड़े, और आपको भी एक दिन इसी तरह आंसू बहाना पड़े और कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए वीडियो हमने बनाया है ताकि लोग सजग हो जाए, सतर्क हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है। धन्यवाद।